गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो मैच है ना वो है रॉ का मेन इवेंट, यानी कि इस मैच को जो जीत जाएगा वो फेस करेगा ब्रॉक लेसनर को समर स्लैम में यूनिवर्सल चैंपियनशिप टाइटल के लिए। तो मैच यहाँ पे बस शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे आज मेरा प्लेयर है फिन बैलर और ये एक स्टील केज मैच है। तो देखते हैं इस मैच को यहाँ पे कौन जीतता है। मैंने यहाँ पे जाते ही पहले भाई एज को नीचे गिरा दिया है और भाई एज ना इस गेम में बिल्कुल ऐसा यंग दिखाया गया है जैसे कि उसका आज ही डेब्यू हुआ हो। हालांकि वो अभी फिलहाल के लिए काफ़ी ज़्यादा बुढ़ा हो चुका है बट इस गेम में वो बिल्कुल ही पता ही नहीं पड़ रहा है, एकदम यंग है वो यहाँ पे। तो भाई ये एक स्टील केज मैच है। यहाँ पे भाई एज ने मेरे को मार दिया है पंच और दोबारा से लेटा दिया है और ये मेरे को दो मिनट भी यहाँ पे रेस्ट नहीं करने दे रहा। बार बार मुझे मुक्का मार रहा है, फिर से इसने मुझे लेटा दिया है। शायद आज ये मुक्का मुक्का खेलने आया है, उसके अलावा आज कुछ नहीं करने वाला है। एक और मुक्का मार रहा था बट मैंने यहाँ पे करा रिवर्सल, टांग पकड़ के उसने भी भाई रिवर्सल करके मेरे को यहाँ पे फेंक दिया और यहाँ पे मेरी छाती पे लात मारने जा रहा था बट भाई सही टाइम पे मैंने दिया रिवर्सल और यहाँ पे ले दी उसकी पटकी। और करते हैं थोड़ा यहाँ पे इमोट, बट यहाँ पे खड़ा हो चुका भाई मेरा इमोट, यहाँ पे मेरे पे ही भारी पड़ चुका है, मेरी गर्दन लेके अभी ये भाई क्या करने जा रहा है ये। यहाँ पे मैंने कर दिया सही टाइम पे दोबारा से रिवर्सल और अब यहाँ भाई थोड़ी इसकी ना मार कुटाई सी करते हैं और लेते हैं इसकी पटकी। थोड़ी देर के लिए अभी यहाँ पे शांत हो जाएगा। तो ये रहा एक स्टील केज मैच है, यानी कि जो इसमें सबसे पहले केज के बाहर निकलेगा वो इस मैच को जीत जाएगा। हालांकि यहाँ पे हम पिनफॉल भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि केज के बाहर निकलूँ क्योंकि वो मेरे को ज़्यादा ईजी लगता है बजाय यहाँ पे पिनफॉल करने के। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ केज के बाहर निकलने के। मैच अभी मुझे नहीं लग रहा है कि मैं यहाँ पे बाहर निकल पाऊँगा बट एक बार फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। तो यहाँ पे भाई एज दोबारा से खड़ा हो गया और उसने मेरे को यहाँ पे पकड़ लिया, नहीं निकलने दिया उसने मुझे बाहर। मुझे पहले ही लग रहा था बट मैं यहाँ पे रिवर्सल करके उसको धक्का दे के यहाँ पे बोलता हूँ निकल यहाँ से, मुझे ना पहले यहाँ पे निकलने दे बट पहले यहाँ पे ना भाई इसको मार ही लिया जाए क्योंकि मैं जितना ट्राई करूँगा ना यहाँ पे इसको भाई मतलब बिना मारे या केज से निकलना, ये बार बार आके मेरी टांग पकड़ के दोबारा से मेरे को नीचे गिरा देगा और मेरा यहाँ कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है अगर मैं ऐसे जाऊंगा। बट यहाँ पे ये मेरे को गिरा के भाई खुद यहाँ पे एक केस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, केज के बाहर जाना चाहता है यहाँ पे ये एज बट मैं यहाँ पे इसको जाने नहीं दूंगा। मेरा भी अभी यहाँ पे भाई पूरी एनर्जी है, पूरी पावर है मेरे पास। तो यहाँ पे मैं इतनी आसानी से इस मैच को कैसे ख़त्म होने दे सकता हूँ और इस मैच को तो मुझे यहाँ पे जीतना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे बनना है यूनिवर्सल चैंपियनशिप और मैं हराऊंगा समर स्लैम में ब्रॉक लेसनर को। तो यहाँ पे अब मैं ट्राई करता हूँ बाहर निकलने की। थोड़ा सा मैंने इसको पेल दिया, अभी मेरा फिनिशर नहीं आया बट मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से मैं निकल सकूँ। मैं फटाफट से दबाता हूँ अपने बटन और निकलते हैं हम यहाँ से। बट भाई यहाँ पे एज दोनों के नाम एक जैसे हैं तो एज यहाँ पे दोबारा से खड़ा हो गया और वो भाई उसने मेरे ले दिए बच्चों की तरह, जैसे भाई मेले में नहीं घुमाने ले जाते माँ बाप अपने बच्चों को वैसे ही मेरे कंधे पे लेके घुमा रहा था बट यहाँ पे ये घुमा नहीं रहा था। मुझे इसने दे दिए पटकी, काफ़ी तगड़ा सा इम्पैक्ट दिया इसने। चलो बेटा अब तुम्हारी बारी आ गई है पिटने की। दिया मैंने इसका रिवर्सल और तोड़ी यहाँ पे इसकी मुंडी। अब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टिका रहेगा। चलो मेरा यहाँ पे फिनिशर नहीं आया है बट भाई यहाँ पे ना मैं इमोट कर रहा था बट यहाँ पे अब मेरा फिनिशर भी आ चुका था तो ये लिया मैंने इसका फिनिशर। और भाई फिनिशर के बाद तो ये अपने सर पकड़ के बैठ गया, मतलब क्या हुआ यार इसे, सर पकड़ के क्यों बैठ गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बाहर निकला, फटाफट से मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके स्मैक लगा दिया था तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी उठेगा बट भाई यहाँ पे रस्सी पकड़ते रिंगता रिंगता दोबारा से खड़ा हो गया है। ये अब दोबारा मेरी टांग पकड़ेगा यार, ये मुझे बिल्कुल भी बाहर निकलने नहीं दे रहा है। चलो इसके एक मुँह पर मैंने लात मारी दी, दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ। फटाफट से मैं बटन पेल पेल के दबाता हुआ निकलता हूँ यहाँ से बाहर। अभी तक यहाँ पे एज को शायद चक्कर आ रहे हैं। चलो तो मैं यहाँ पे अब भाई ऊपर चढ़ गया, बस अब मेरे को यहाँ से निकलना है और नीचे खड़ा होकर देख रहा है कि भाई कैसे मुझे यहाँ पे दोबारा वापस लाए। बट एज यहाँ पे रस्सी के ऊपर चढ़ चुका है दोबारा से यार, शिट। यहाँ पे भाई बहुत अच्छा मौका था मेरे पास यहाँ पे इस मैच को जीतने का। चलो मैंने यहाँ पे रिवर्सल कर दिया और उसको यहाँ पे दोबारा से नीचे गिरा दिया है। अब भाई मेरे पे काफ़ी अच्छा मौका, एज अब इतनी जल्दी तो यहाँ पे आने वाला है नहीं। मैं यहाँ पे फटाफट से नीचे उतरने का ट्राई करता हूँ, भाई यहाँ पे अब नीचे उतरता हूँ बट एज यहाँ पे दोबारा से होने वाला है खड़ा। चलो वो यहाँ पे खड़ा हो चुका है, अब भाई ये जल्दी से बस ऊपर ना आए, मैं यहाँ पे फटाफट से नीचे निकल जाऊँ बट यहाँ पे एज नहीं, ये दोबारा से इसने मेरे को पकड़ लिया। और भाई ये इतनी आसानी से मुझे यहाँ से नहीं जाने देगा क्योंकि ये भी चाहता है इसका मैच हो ब्रॉक से। बट यहाँ पे मैंने करा रिवर्सल, दोबारा से इसको मैंने नीचे गिरा दिया और अब भाई मैं यहाँ पे अब इसको दोबारा यहाँ चांस देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं करता हूँ इस मैच को यहाँ पे फटाफट से खत्म। बट एज यहाँ पे खड़ा होने का ट्राई कर रहा है बट यहाँ पे वो उसको मतलब उसकी एनर्जी कम हो चुकी है तो मैं यहाँ पे निकलने की कोशिश करता हूँ। वो दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है बट यहाँ पे अब भाई काफ़ी देर हो चुकी है, एज मुझे अब यहाँ पे नहीं पकड़ सकता है। बट भाई यहाँ पे मैं फटाफट से बटन दबा रहा हूँ, मेरा प्लेयर गिर नहीं रहा था यार, ये हुआ क्या मेरे साथ मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आया। काफ़ी ज़्यादा टाइम था मेरे पास बट मैं यहाँ पे नीचे नहीं गिर पाया केज के।
एक और बार मैंने यहाँ पे मारा उसको, रिवर्सल करके लात मार दिया है। चलो तो भाई अब फाइनल मैं सोच रहा हूँ कि अब बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। पिछली बार मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, बटन में प्रेस कर रहा था बट मैं यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाया। ये जब दोबारा कोशिश कर रहा है यहाँ पे बाहर आने की, बट भाई का पहुँच चुकी है काफ़ी ज़्यादा देर। ये ट्राई तो कर रहा था कि वो मुझे रैप रस्सी के ऊपर चढ़ के मुझे पकड़े और मुझे दोबारा से यहाँ से बाहर जाने से बचा ले और अंदर लेके आए, बट यहाँ पे मैं इस मैच को जीत चुका हूँ। और यानी कि इस मैच को जीतने के बाद अब मेरा मैच होगा ब्रॉक लेसनर से समर स्लैम में, और वहाँ यूनिवर्सल टाइटल के लिए मेरा वो मैच होगा। तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।